हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पीसीएल एमएम पे। आज हम लोग कुर्ती या सलवार की स्लीव्स कटिंग करेंगे, या हाथ जिसे आप कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। था आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही मैंने ले लिए हैं क्योंकि आपने और भी वीडियो देखे होंगे जहाँ पे आपको वो पहले से ही वो लोग दिखाते हैं कि अपने हिसाब से मेजरमेंट करके वही कपड़ा लेते हैं और उसी से ही स्लिप्स काट के दिखाते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग अभी नया काम सीख रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं चलता कि कहाँ से हमें हाथ का माप लेनी है, कहाँ से मौड़ी का माप लेनी है। तो इसलिए मैंने ये मेरे पास जो भी कपड़ा है वो मैंने लिया है आपको ठीक से समझाने के लिए। तो आइए, ये मेरे पास जो कपड़ा है इसे मैंने टू फोल्ड में ऐसे लिए है। अब इसे क्या करना है, फिर से मैं इसे एक और फोल्ड कर देती हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आपको जितना भी स्लीव्स चाहिए, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप पूरा यहाँ तक ऐसे फोल्ड कर लीजिए, लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, तो मैं यहाँ तक ही फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ तक ही फोल्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये फोल्ड ये कहाँ तक आ रहा है, ये 6 इंच आ रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे हाथ की माप लेनी है, हाथ आपका जितना भी है आपको यहाँ पे लेनी है। जो फोल्डेड साइड है कपड़े का, जो फोल्डेड साइड है, आप यहाँ पे हाथ का माप लेंगे। आपको जितना भी चाहिए, इतना चाहिए आपको, इतना चाहिए, इतना चाहिए, जितना भी चाहिए, लेकिन फोल्डेड साइड पे आप हाथ का माप लेंगे। फिर ये हमारा यहाँ पे हाथ का माप हो गया 6 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरफ जो है इस तरफ मैं मौड़ी का माप लूंगी, तो इसलिए पहले मैं आर्म होल का माप लूंगी। आर्म होल हमें कितना चाहिए, हमारा जो कुर्ती है या सलवार है उस पे हमने आर्म होल जितना भी लिया है, जैसे कि 6, 7, 8 जो भी हमने लिया है, आप उससे 1.5 इंच ज्यादा रखिए। तो मेरी जो कुर्ती है वो 7 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 8.5 लूंगी, 8.5 यहाँ पे लूंगी। फिर हमें क्या करना है, यहां से अंदर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ हमें 3 इंच पे मार्क करनी है, 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करनी है। अब हम क्या करेंगे, मौड़ी का माप लेंगे, हमारे हाथ के जो मौड़ी है उसका माप लेंगे। तो हमारी मौड़ी है 10.5, जिसे हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 सूता आएगा 5 2 सूता। तो मैं यहाँ पे और सिलाई मार्जिन के हिसाब से मैं यहाँ पे पूरा 6.5 इंच ले रही हूँ। अब क्या करना है, ये जो मार्क है इसे यहाँ से मिलाना है और यहाँ से इसे यहाँ पे मिलाना है। अब क्या करना है, बीच में आपको ऐसे रखना है, 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करनी है, 1/2 इंच बाहर की तरफ एक मार्क करनी है। अब इसे भी हम ऐसे गोलाई देके यहाँ पे मिलाएंगे और इस तरफ भी ऐसे मिला देंगे और इसे भी हम ऐसे गोलाई देके यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे मिलाएंगे। अब ये बीच में जो है इसे हम कट नहीं करेंगे, हम कट कौन सा करेंगे, बाहर वाला अंदर वाला।
ये हमारा कट लाइन है, तो ये हमारा स्लिप्स बन गया। तो आइए काट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बाहर की तरफ जो है लाइन यहीं से कट करेंगे। साइड पे कर देते हैं। अब ये मोड़ी की तरफ जो जुड़ा हुआ है ये, इसे भी हम अलग कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे बिछाना है, ऐसे रख के अब हम क्या करेंगे, ये अंदर की तरफ जो लाइन है इसे कट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा स्लिप्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी प्रश्न है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।